कभी आपने सोचा कि रॉकेट किस असूल पर हरकत करते हैं? इसको समझने के लिए हमें फिजिक्स की सबसे फेमस स्टेटमेंट जानना होगी, एंड दैट स्टेटमेंट इज बेसिकली न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, विच स्टेट्स दैट फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन। आइए न्यूटन्स थर्ड लॉ को समझते हैं एक एक्टिविटी से। यह हवा से भरा एक बैलून है। जब मैं फिंगर्स को रिलीज करूंगा तो इस बैलून में मौजूद हवा बाहर को पुश करेगी, इसे हम कहेंगे एक्शन। और रिएक्शन यह होगा कि बैलून सेम फोर्स के साथ ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। इस एक्टिविटी से हम लोगों ने सीखा कि न्यूटन्स थर्ड लॉ को इस्तेमाल करते हुए हम किसी भी ऑब्जेक्ट को हरकत करने पर मजबूर कर सकते हैं। यही वजह है कि इसी असूल की मदद से हम रॉकेट्स को खला में भेजते हैं। रॉकेट के इंजन में फ्यूल जलने की वजह से जो गैसेस पैदा होती हैं वो रॉकेट की नोजल में से बहुत स्पीड से बाहर निकलती हैं, और ये गैसेस का एक्शन होता है। न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो करते हुए रिएक्शन के तौर पर रॉकेट सेम फोर्स से अपवर्ड मूव करता है, और यूं न्यूटन के थर्ड लॉ को इस्तेमाल करते हुए हम रॉकेट को स्पेस में भेजते हैं। ना सिर्फ ये बल्कि ज़मीन पर हमारा चलना भी न्यूटन थर्ड लॉ की वजह से ही मुमकिन हो पाता है। जब हम जमीन पर चलते हैं तो हम अपने पांव से जमीन को पीछे धकेलते हैं, जिसके रिएक्शन में जमीन हमें आगे को पुश करती है, और यूं न्यूटन थर्ड लॉ की वजह से जमीन पर हमारा चलना मुमकिन हो पाता है। हमारी रोजमर्रा जिंदगी में न्यूटन थर्ड लॉ इतना इंपॉर्टेंट है कि इससे छुटकारा हासिल करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है।